फॉर द फॉलोइंग, आई माइनस, सी एल माइनस, वी आर माइनस। ये जनरली हेलोएल्केन हेलोएरीन में हम एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अराउंड ए पार्ट ऑफ जी ओ सी। ठीक है, मैकेनिज्म में जनरली हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं जी ओ सी का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पर डिपेंड करता है, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है किस पे, साइज पे। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका साइज होगा एनायन का, उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, क्योंकि साइज से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि मॉग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, मॉग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ जब भी आप ए सी एल बी आर आई इस तरह से जाओगे तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। यदि हम इसके एनायंस की फॉर्म में लिखें तो जैसे जैसे आप नीचे की साइड जाते हो, ठीक है, तो इसका जो चार्ज बाय वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज बाय वॉल्यूम है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब इसका जो रेडियस है उसमें जितना बड़ा रेडियस होता है उसमें नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट जो गेन करने की टेंडेंसी है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज बाय वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का न्यूक्लियोफिलिसिटी आई माइनस की, देन फिर बी आर माइनस की, देन फिर सी एल माइनस की। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई माइनस, बी आर माइनस और सी एल माइनस। ठीक है, ये होना चाहिए।